हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे को मूवमेंट हुआ है उसमें हमने कैसे काम किया, कैसे हमारा परफॉर्मेंस रहा। जो मैंने आपको थर्सडे को लेवल भेजा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हमने ट्रेड लिया था और कैसे हमने प्रॉफिट कमाया था वो तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब अभी मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो चुका है तो उसके बाद मंडे जब सुबह मार्केट ओपन होगा तो मंडे के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मंडे के लिए हमें क्या ट्रेड लेना है उसके डिटेल में हम बात करेंगे। तो पहले वीडियो लास्ट तक देखना है। तो पहले हम बात करते हैं, सपोज दैट कि जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ था थर्सडे के कंपेरिजन में मार्केट ने सीधा गैप अप कर दिया। तो ये जो मार्केट गैप अप हुआ तो बहुत लोगों को क्या हुआ कि अभी कल जैसे ही मार्केट यहाँ से वापिस ऊपर जाएगा तो यही पे लोगों ने बाय कर लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, वहां पे बहुत लोग पैनिक होते हैं, टेंशन में आता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, अभी क्या करेंगे, इतना नीचे आ गया, ये बहुत होता है। या तो वही चीज जब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो देखो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो गैप अप हुआ, लेकिन वहां से कंप्लीटली 1-1.5 घंटे तक मार्केट नीचे आया और बहुत लोगों की इसमें टॉप लॉस चले गए। तो ये सिचुएशन में ट्रेड कैसे लेना है, जब आप देखेंगे सपोज थर्सडे को जो मैंने लेवल दिया था एग्जैक्टली वही लेवल पे मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो क्या हमने काम किया था, लाइव मार्केट में डिसीजन कैसे लिया था, वो चीज मैं पहले आपको बताता हूँ। तो 29 को सपोज मार्केट ओपन होने से पहले हम प्लानिंग कर रहे थे कि 16,900 के नियर अबाउट अगर निफ्टी मिलता है तो हमें खरीदना है और 37,184 के नियर अबाउट मिलता है तो खरीदना है। लेकिन मार्केट ओपनिंग में ही हमने देखा कि मार्केट गैप अप कर गया, बहुत ऊपर गया तो वापस वो रेंज में आता नहीं है। तो एग्जैक्टली फिर मार्केट अगर इतना गैप अप करेगा तो कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कौन से रेंज में ट्रेड लेना है, उसके लिए लाइव मार्केट पे हम लेवल अपडेट करते हैं। जैसे रिलायंस का अपडेट किया था 925 को, वैसे एचडीएफसी बैंक का किया था और टीसीएस क्या किया था, ये लाइव मार्केट पे लेवल अपडेट किया है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और साथ में ही सपोज दैट निफ्टी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी लेके 9:55 को देखो, हमने बताते 17,049 और 17,089 इसके बीच में अगर आता है मार्केट ओपन होने के बाद 9:50 9:45 को बोल रहे कि भाई मार्केट यहाँ पे अभी ये रेंज में आएगा तो खरीदना है, उससे पहले नहीं खरीदना है। तो देखो आप देख सकते हो मार्केट में कि हमने जो रेंज बताया था उसके पहले मार्केट कहाँ पे था, जब मार्केट में हम बोल रहे थे यहाँ पे मार्केट कहीं तो अभी 37,173 160 150 चल रहा था और हम बोल रहे थे अगर मार्केट नीचे आएगा 17,049 से लेके 17,089 ये 30-40 रुपए के रेंज में मार्केट नीचे आता है तो खरीदना स्टार्ट करो। और आप देख सकते हो सपोज यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंड के लिए एक छोटा सा चार्ट लगा देता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। तो जब मार्केट यहाँ पे कहीं तो भी था 10 बजे तो हम बोल रहे कि मार्केट नीचे आएगा तो खरीदना है और उसके बाद देखो कंटिन्यूअसली मार्केट आधा पौना घंटा 1 घंटा 45 मिनट नीचे आया, 3-4 कैंडल नीचे आया। और जब ये नीचे आ रहा है तो देखो ये कैंडल, देखो ये कैंडल लो किया 72 का, ये कैंडल लो किया 56 का, तो ये रेंज बाइंग का है। अभी सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे खरीदना नहीं था, अगर नीचे आके यहाँ पे खरीदेंगे तो अच्छा लगता है लेकिन ये मोमेंट होने के बाद बोलेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। जब हम यहाँ पे नीचे की बात करें तो देखो 10:30 बजे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा हुआ, 11:15 बजे ये एक आधा घंटा मार्केट यहाँ पे था। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि जब मार्केट यहाँ पे, बहुत लोग यही पे ट्रेड ले लेते हैं और इसमें क्या होता है मार्केट नीचे आता है, दिन भर कंसोलिडेशन होता है और उनको प्रॉफिट नहीं दिखता और बाद में मार्केट में हम बोलते हैं कि पैनिक होके हम थोड़ा मोटा लॉस लेके निकलते हैं और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो एंट्री ही गलत हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट आएगा ही नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री करना है, कब करना है, वो चीज समझना पड़ेगा। कि आप देख सकते हो मार्केट अगर ऊपर ही जाना है तो नीचे क्यों आया, तो यही तो पॉइंट है कि जब मार्केट में बाइंग आने वाला है तब हमें खरीदना चाहिए और वही चीज हमने लाइव मार्केट में यहाँ पे डिसीजन लिया था कि भाई ये ऐसा करना है। अभी कोई बहुत लोग जैसे हम अभी यहाँ पे ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में भी काम करना है। तो जब सपोज हम क्या लगता है कि मार्केट जैसे गैप अप हो जाता है तो हम तुरंत ऑप्शन खरीद लेते हैं, कॉल खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर जब नीचे आता है तो जो प्रीमियम आप पे करते हो बहुत जोर से गिरता है तो रॉन्ग टाइम पे एंट्री करोगे तो फिर आपको कभी ऑप्शन में भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा। सो यही चीज मैं बोलता हूँ, जब निफ्टी यहाँ पे चल रहा है और आप वो ऑप्शन में खरीदेंगे उस टाइम पे जो प्रीमियम चला वो प्रीमियम पे करके खरीदेंगे तो मार्केट उसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो आपके कॉल में प्रॉफिट ही आएगा। तो एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है वो चीज इंपॉर्टेंट रहता है, रेंज इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। वैसे ही सपोज ऑप्शन के लिए हम क्या कर रहे थे, देखो कि जैसे ही मार्केट वहां पे था तो मैंने क्या किया 17,200 का जो कॉल था 4 अगस्त वाला वो 60-70 के रेंज में मार्केट आएगा तो खरीदने के लिए बोला था। आप देख सकते हो 17,200 का जो कॉल था वो कहां पे आया था, सपोज 17,200 का कॉल
ओके ये मैंने बोल रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे चला वो तब 106 100 103 104 105 के नियर अबाउट ऊपर चल रहा था, हमने बोला 70 और 80 की 60 के बीच में आएगा, तो लगभग 65 का लो क्या, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियरली तो ये रेंज है मार्केट में, अभी हर किसी को समझ में आता है। और हाँ यहाँ पे खरीदते तो मार्केट ऊपर गया बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, लेकिन हमारा ट्रेडिंग हमारा बाई यहाँ पे 90, 95, 98 को हो जाता है, फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे दिन भर हम पैनिक करते हैं। एक्चुअली मार्केट में प्रॉफिट है लेकिन एंट्री समझ में आना चाहिए, और वही चीज यहाँ पे देखेंगे। सपोज अगर एग्जैक्टली हमने बताया था कि 60 और 70 के नियर अबाउट बीच में आता है तो खरीदना है, उससे पहले लेने नहीं खरीदना है। और अगर ये चीज कर सकते हो तो फिर अपने आप टारगेट को मार्केट जाएगा, तो अपने आप आपको फिर अगर 60-70 के बीच में आप यहाँ पे खरीदते हो तो मार्केट अपने आप आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा, और आप ये टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट चल रहा है तो आप डरते नहीं है। फिर मार्केट में टाइम स्पेंडिंग करते आता है, जैसे ये मूवमेंट आएगा तो अपने आप अगर 70 पे भी खरीदते हो आप और 120 में 110 में 115 में भी बेचते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है और ये पोजीशन होल्ड कर सकते हो। तो ये इस हिसाब से मार्केट में डिसीजन लेते आना जरूरी है। जो हमने काम किया था आपने देखा होगा क्लियरली कि 60-70 में खरीदा, मार्केट ऊपर गया तो जब टारगेट 1 को गया तो जब ऊपर जा रहा है तो उसके बाद देखो टॉप लॉस भी 49 का लगा दिया, मतलब अभी 20 रुपए का भी रिस्क नहीं हमारे लिए। सपोज वो ट्रेड होल्ड करना है तो इस हिसाब से आप मार्केट में होल्ड कर सकते हो, तो फिर टारगेट 1 को जाएगा ये प्रोसेस और इसको होल्ड भी करके कैरी कर सकते हो। कैरी करना है तो या तो उसी दिन प्रॉफिट बुक करना है तो उसी दिन प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो कि अगर सपोज दैट मुझे मंडे के लिए काम करना है तो मंडे के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो 17,200 के कॉल को खरीदना है, जिससे आज का रेंज मैंने बोला था कि ये रेंज में 60-70 के नियर अबाउट आता है तो खरीदना है, तो वैसे ही मंडे के लिए 17,200 का जो कॉल रहेगा वो अगर 85 और 100 इसके बीच में मिलता है तो बाय करो, वहां से कम 150 को जाएगा 170 को जाएगा, तो ये टारगेट के लिए हम वहां पे मार्केट में बैठ सकते हैं मंडे के लिए। सपोज दैट वैसे ही सपोज दैट कोई बोलता है कि सर मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड आ जाता है तो फिर हमें क्या करना है, मार्केट में अप ट्रेंड है तो हम कॉल खरीद रहे हैं, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा तो हमें 17,200 का जो पुट है वो खरीदना है, और कौन से रेंज में खरीदना है, अगर 196 और 210 इसके ऊपर जाता है तो ही खरीदना है, अभी 135 चला है नहीं खरीदना है, 150 160 आएगा तो भी नहीं खरीदेंगे, 196 और 210 इसको क्रॉस करेगा तो ही 17,200 के पुट को कल मंडे के लिए काम करना है। वैसे ही सपोज कोई बैंक निफ्टी में काम करना चाहता है तो 37,600 का जो पुट रहेगा उसे खरीदना, अगर मार्केट नीचे रहेगा तो 520 550 के ऊपर जाएगा तो ही 37,600 के पुट को खरीदना है। और वही चीज सपोज कोई अगर मार्केट में जो अप ट्रेंड चला वही कंटिन्यू अगर रहता है तो 37,600 का जो कॉल रहेगा वो खरीदना है 225-225-258 के बीच में, 225-260 की नियर अबाउट मार्केट जब मिलता है तो वहां पे खरीदना है, ये रेंज में मार्केट में खरीदना है, तो वहां से फिर मार्केट ऊपर ऊपर जाने का पूरा पूरा गुंजाइश रहेगा। अब ये मार्केट में ट्रेंड कैसे पता चलेगा, बहुत लोग अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं उसको स्पेसिफिक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और उसी में गलत हो जाता है कि जो स्ट्राइक प्राइस में आप करते हो उसमें मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है, तो इसके लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, कौन से रेंज में काम करना है, कब ट्रेड लेना, वो चीज मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। लेकिन मार्केट का ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि कल निफ्टी में बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड कब क्या रहेगा वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखो निफ्टी के लिए मंडे के लिए लेवल में आपको बता रहा हूं कि 17,140 इसके नियर अबाउट मार्केट आता है, ये बाइंग जोन रहेगा मार्केट का, वहां से थोड़ा नीचे भी आ जाएगा तो जब 122-140 के बीच में चल रहा है तो मार्केट में एक बाई आएगा, खरीदना ही है, वहां से मार्केट 260 और 293 के ऊपर जा सकता है। और वही चीज अगर मार्केट कल मंडे के लिए सपोज दैट 17,085 17,060 ये रेंज, ये जो सेलिंग जोन है इसको अगर डाउन साइड ब्रेक करता है इसके नीचे जाता है तो ही मार्केट में सेल आएगा, तो ही हमें शॉर्ट सेल करना है, और जब मार्केट इसे क्रॉस करेगा तो अपने आप आपको पुट में खरीदने को मिलेगा, पुट का रेंज मिलेगा, ये बात है। और फिर वहां से मार्केट 17,001 और 16,972 ये दोनों टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। आप ये भी काम कर सकते हो, अगर बाइंग रेंज में मार्केट आता है तो कॉल खरीदना है और सेलिंग रेंज में आता है तो पुट खरीदना है, और कौन सा कॉल खरीदना कौन सा पुट खरीदना वो चीज मैंने आपको वहां पे मेंशन कर दिया, तो ये चीज आपको मंडे के लिए फॉलो करना है। वैसे ही सपोज अगर कोई बैंक निफ्टी में काम करना चाहे तो बैंक निफ्टी के लिए सपोज 37,541 37,488 ये रेंज में मार्केट अगर आता है तो खरीदना है, और वहां से 37,760
37,880, ये दोनों टारगेट मंडे के लिए आप देख सकते हो। वैसे अगर मार्केट नीचे जाता है तो 37,384 और 37,331, ये इसके बीच में अगर मार्केट आता है तो यहाँ से फिर मार्केट में एक बार वीकनेस बढ़ेगा, वहां से मार्केट नीचे जाएगा और 37,120 36,980 ये दोनों टारगेट के लिए मार्केट जा सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना रहेगा। अगर बाइंग रेंज में आता है तो कॉल खरीदना है और सेलिंग रेंज में जाता है तो ही पुट खरीदना है। और बाइंग रेंज में आके मैंने कॉल खरीद लिया तो जब मार्केट टारगेट को जाएगा तो पर्टिकुलर कॉल में से प्रॉफिट बुक कर देना है। ज्यादातर आप अगर एट द मनी का कॉल या तो उसके नियर अबाउट कॉल में काम करेंगे तो ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, बल्कि आप ज्यादा दूर का कॉल खरीदेंगे। तो हमेशा एट द मनी के कॉल में काम करने की कोशिश करना है तो अपने आप आपको उसके मोमेंट में मिलेगा, टाइम डिके उसमें आपको कम होगा। तो ये प्रोसेस के हिसाब से मार्केट में काम करना होता है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन का यहाँ पे दिखाया तो 17,200 का जो कॉल था उसमें मैंने काम किया था, जो 60-70 को खरीदा और 120 तक गया, नियर अबाउट 80-90% आपको वहां पे रिटर्न मिलेगा। सपोज दैट वैसे ही यहाँ पे 37,400 का जो कॉल था वो 305-334 के बीच में हमने खरीदा था, 305-334 के बीच में खरीदा, 260 का टॉप लॉस लगा के रखा था, वहां से मार्केट 430-455 तक गया था। तो ये आपको प्रॉफिट दिलाएगा, टारगेट वन कंप्लीट हुआ है, बाकी के लिए हमने पोजीशन कैरी किया हुआ। तो ये प्रोसेस भी कर सकते हो या तो इंट्राडे के लिए भी काम कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट सपोज आपको एंट्री देखा और मार्केट अगर 3:30 क्लोज हो रहा है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और अगर पोजिशन बाय में ही है जब तक सेल पॉइंट को मार्केट जाता नहीं है तब तक वो पोजीशन बाय आप कैरी कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो इस हिसाब से ऑप्शन में सक्सेसफुली पैसा कमाया जा सकता है, प्रोवाइडेड प्रॉपर मार्केट का एनालिसिस करते आना चाहिए और वो चीज सीखना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।